श्रवण, सभी लोग अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। राकेश गुर्जर, बलराम दीक्षित और जयराम दीक्षित अपने उसके बाद रूरल विद्यापीठ बॉयज एनसीसी, रूरल विद्यापीठ गर्ल्स खोलने और जोरदार तालियां हम हमारी भारतीय सेना, यूं ही कहूंगा कि उसका एक रूप हम यहां पे देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में यही इसी दल में से हमारे भारतीय सेना को लीड करेंगे। हमारी थल सेना, वायु सेना और जल सेना, सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, पानाभाई रामनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाद में आ रहे हैं डीवीपी स्कूल बॉयज लैंडस्केपिंग अंकित कुमार की लीड में अपने स्कूल का ध्वज लिए हुए। जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करें ढूंढलोत विद्यापीठ ढूंढलोत बॉयज। और जी हाँ, राधिका शेखावत, जोरदार समय है आज ये माननीय एस डी एम साहिबा और ये गर्ल्स हमारी विंग, जोरदार सलामी का ये समय। राधिका शेखावत ढूंढलोत विद्यापीठ से थी और अब है ढूंढलोत विद्यापीठ बॉयज सीबीएसई स्कूल्स के लिए आकर्षित इसको लीड कर रहे हैं आगे। और मैं मानता हूं ये कुछ सेकंड के लिए ऐसी फीलिंग्स आती हैं और जिस जिस भाई में ऐसी फीलिंग आई है वो एक बार जोरदार तालियां वापस बजा सकते हैं। ये तालियां बजाती है कि हम संपूर्ण रूप से यहाँ उपस्थित है। बहुत बहुत आभार मैडम, जोरदार तालियां आज के शानदार परेड डायरेक्शन और परेड सलामी के लिए। ये बहुत ही शानदार लग रही पगड़ी और आपका शानदार व्यक्तित्व। ये आजादी का दिवस, ये स्वतंत्र हवा वाला दिवस हमें खैरात में नहीं मिल गया, इसके लिए अनेक माताओं के लाल छिन गए, अनेक बहनों के भाई छिन गए, अनेक वीरांगनाओं का सुहाग लुट गया, तब जाकर के हमें ये आजादी मिली है। इसलिए आज हम सब का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम इसे अक्षुण बनाए रखें, तभी उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता जो हमारे देश की आजादी को अक्षुण बनाए रखने की बात है, इसके लिए हमारे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति, चाहे वो किसी आयु वर्ग का हो, हमारा हिंदुस्तान उम्मीद करता है। हमारे देश का युवा, ये हम इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि हम युवाओं में विश्व में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। युवाओं से हिंदुस्तान उम्मीद करता है। मैं युवाओं के लिए ये कहूँ तो कुछ काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। आप युवाओं से देश उम्मीद करता है, लेकिन मैं युवाओं को ये कहना चाहूंगी कि इस देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन नकारात्मक लोगों से उचित दूरी बनाए रखें जो आपका दुष्प्रेरण करते हैं। हम किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो जो नकारात्मक लोग होते हैं वो ये करने चला है, अब ये करेगा, इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। और नकारात्मक लोग तब तक सकारात्मक नहीं हो सकते जब तक आप उस काम में सफल नहीं हो जाते। इसलिए देश के युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप सकारात्मक सोचें, दुष्प्रेरण करने वालों से दूर रहें, देश के लिए कुछ विशेष कर जाएं।
देश पर शहीद होना तो देश के लिए चरम देशभक्ति है। इसका सौभाग्य सभी को नहीं मिलता, पर हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, विश्व में दूसरे नंबर पे इसकी जनसंख्या है। इस देश के लिए जो अपन को छोटे छोटे लगने वाले कुछ काम हैं, वो भी करके हम देश के लिए बड़ा योगदान कर सकते हैं। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि हमारे झुंझुनू जिले में महिला शिक्षा में हम अग्रणी हैं, लेकिन हम महिलाओं को और आगे बढ़ाएं। स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको हम आगे बढ़ाएं, किसी गरीब असहाय की मदद करें, बेरोजगार लोग हैं उनको उत्साहित करें, पर्यावरण को स्वच्छ रखें। हो सकता है ये बातें अपन को छोटी लगती हो, लेकिन एक बार करके तो देखिए, अपना देश चमन बरते देर नहीं लगेगी। देश का भविष्य, देश के कर्णधार जिनमें देश का भविष्य छुपा है, इन प्यारे बच्चों से देश का भविष्य उम्मीद करता है। लेकिन ये तो एक कच्ची मिट्टी की तरह है, इनका निर्माण करना हमारे बड़े बुजुर्ग और गुरुजनों का कर्तव्य है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे ठोस संस्कार इन बच्चों को देवें कि ये बड़ों का सम्मान करना, समाज का सम्मान करना, देश का सम्मान करना सीख सकें, और इतनी हार्ड वर्क ये करें कि देश के लिए कुछ करना है, आज ही इनमें ये जज्बा पैदा हो सके और देश का भविष्य उज्जवल हो सके। देश के इन कर्णधार के लिए मैं दो शब्द कहूं तो, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपना लक्ष्य निर्धारण करें, आप अपने समय को समयबद्ध रूप से प्रयोग करें, जिंदगी में आगे बढ़े और पहले अपने भविष्य का निर्माण करें, जिससे आप अपने देश का निर्माण करें। मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस कदर कुछ तो उस कदर बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीददार बहुत हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आप उस जंग में उस सकारात्मक सोच के साथ, बोधात्मक सोच के साथ कूद पड़े हैं, तो आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और इस हिंदुस्तान के लिए कुछ कर जाएं। अगर हमारा दृढ़ संकल्प है तो हमें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पहले वह सोच तो ले उसका इरादा क्या है। इन्हीं उम्मीदों के साथ जय हिंद, जय भारत।